Hey guys, welcome back to my new blog. तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट जो कि इंडिया में हैं और वो लोग चाइना आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं बिना वर्क परमिट के, तो कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है। पहले अभी जस्ट मैंने क्लास ख़त्म किया है, तो चलते हैं लंच करने के लिए और वहाँ पे आगे की बातें करते हैं। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ चाइनीज़ बिरयानी खाने के लिए। ये है वो चाइनीज़ बिरयानी का शॉप। तो गाइस, लंच का ऑर्डर मैंने दे दिया है। जब तक बन रहा तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बैचलर डिग्री किए हैं, 12th पास हैं, जो भी हैं, सबसे पहला उन लोगों का काम होगा कि अगर उन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो सही है, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास करने के बाद सबसे पहले उन लोगों को एक स्टूडेंट वीज़ा लेना होगा, जो कि बहुत ही ईजिली 15 दिन में मिल जाता है चाइना एम्बेसी से इंडिया में। अगर आप इस साइड में हो तो कोलकाता में मिलेगा, नॉर्थ साइड में हो तो दिल्ली में मिलेगा, साउथ साइड में हो तो बेंगलोर में मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है, आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले कॉलेज ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आप ऑनलाइन कॉलेज ढूंढ सकते हो। बहुत ही सस्ता, बहुत ही किफ़ायती में मिल जाता है। मतलब एक साल का कॉलेज का फीस होगा करीबन 60-70 हज़ार रुपया एक साल का। तो वो कॉलेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक अप्लाई करना है कि चाइनीज़ कोर्स, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज में। और ये बहुत इजीली कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। 2 से 3 कॉलेज में आप अप्लाई करेगा, एक कॉलेज से आपको लेटर आ जाएगा। तो उसके बाद वो जो लेटर उन लोग भेजेंगे, वो लेटर के साथ में अपना मार्कशीट अटैच करके, पासपोर्ट अटैच करके लेके जाइएगा चाइनीज़ एम्बेसी जो इंडिया में है, और अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइस, तीसरा काम होगा आप लोगों का, जैसे ही आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, आप आइए चाइना में, जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में जाइए, अपना एडमिशन का प्रोसीजर सारा कंप्लीट करिए। कॉलेज के साथ में आपको डोमेट्री भी मिल जाता है कॉलेज का, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिलता है। तो अगर वो चाहिए होगा तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो बाहर में आप अपना रूम ले सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा, 1 साल का 2 साल का, मैक्सिमम 5 साल का होता है, जो कि हर एक साल पर रिन्यू होते रहता है। उसके बाद जिस फील्ड में आपका रुचि है उस फील्ड में आप जाके ईजिली जॉब ढूंढ सकते हो, और जॉब बहुत ईजिली मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो जॉब देने वाले लोग रहते हैं उन लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। अगर नॉर्मल तरीका से कोई आता है वर्क परमिट पे, तो जो लोग जॉब देते हैं उन लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराओ एम्प्लॉय का, उसके बाद वर्क परमिट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो ऐसा कुछ लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा रहता है। हालांकि चाइना गवर्नमेंट ऐसा अलाउ नहीं करता है वर्क परमिट के बिना में काम करने का, बट स्टूडेंट लोग के लिए अलाउ करता है, क्योंकि वो लोगों को अपना पढ़ाई का खर्च निकालना रहता है। जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई की बात में अगर आप डेली कॉलेज नहीं भी जाओगे, 1 महीना में 5 दिन भी कॉलेज जाओगे, तो आपके अटेंडेंस लग जाती है। मिनिमम आपको 30% अटेंडेंस चाहिए रहता है। तो 1 महीने में 5 दिन भी आप जाओगे तो 30% अटेंडेंस हो जाता है। पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो फेल हुए, फेल हुए तो आपका वीज़ा फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो मेन चीज़ वही तो हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा दिन रहे, ज़्यादा पैसा कमाए और अच्छे तरीके से जॉब करें। और चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में किसको इंटरेस्ट है? किसी को तो इंटरेस्ट होगा नहीं, जो आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए ही आएंगे। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग ऐसा करते हैं, और अभी वो लोग कमा रहे हैं महीना का करीबन 1.5 से 2 लाख रुपये महीने। और कॉलेज का जो डॉर्मेटोरी अगर लोगे, तो डॉर्मेटोरी का फीस होगा आपका 1 साल का 15,000 इंडियन करेंसी में। तो मतलब यहाँ के युवान में होता है 1300 युवा है। आप यहाँ पे कमाओगे हर महीना 1 से 1.5 लाख रुपये इंडियन करेंसी, और 15,000 एक साल का देने में कोई हर्ज नहीं है, तो काफ़ी पैसा बचेगा। अगर आप लोगों को रुचि है तो आप इस वजह से ट्राई कर सकते हो, आ सकते हो और काम कर सकते हो। मैं ऐसे ही डेली ब्लॉग्स बनाता हूँ चाइना रिलेटेड और अपने लाइफ रिलेटेड, लाइफ स्टाइल रिलेटेड ब्लॉग। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब प्लीज साउथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो गाइस, ये देखिए आ गया मेरा चिकन बिरयानी चाइनीज स्टाइल।